हाँ तो भाई लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि सब बेहतरीन हो गए, बढ़िया हो गए। आज अपन जो वीडियो जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा कि हाउ टू ज्वाइन रैपिडो कैप्टन, यानी कि बाइक टैक्सी में कैसे ज्वाइन हो। तो रैपिडो का फुल प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या क्या चीजें जरूरत रहती है। आपको बता दे रहा कि आपका DL आगे पीछे की फोटो अगर क्लिक करके रखा हो ठीक है उसकी जरूरत रहेगी। आधार और पैन ऑप्शनल है, दोनों में से कौन सा आपको चाहिए। आप आधार लगाते हैं तो उसकी फ्रंट एंड बैक की, और पैन कार्ड का तो केवल फ्रंट लगता ही है। तो आपका DL हो गया, आधार हो गया, और दूसरी चीज है आपकी RC व्हीकल RC वो भी जरूरी है, और दो तीन चीज ही हो गई। बाकी बैंक अकाउंट तो बाद में जब आप काम करोगे तब वो रिडीम करना रहेगा। आपको पेमेंट हफ्ते में 3 बार उसका ट्रांजेक्शन हो सकता है, मैं बताऊंगा उसका वीडियो के थ्रू भी बता दूंगा कि किस तरह से आप इसको पैसा निकाल सकते हैं। वन टैप पे निकलता है भाई उसका पैसा इजीली, एक बार अकाउंट लगाने के बाद UPI इसमें ऐड कर दो भाई, सबसे अच्छी चीज ये है। जरूरी नहीं है कि आप बैंक अकाउंट ही लगाओ, UPI ऐड कर दो। UPI किसी की भी हो, या आपकी हो, या आपके किसी जानने वाले की हो, किसी की भी हो, ये नहीं मैटर करता। बट जो डॉक्यूमेंट्स आधार पैन DL गाड़ी की RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये दो चीजें रहेंगी, मतलब ये चीजें रहेंगी, उसके बाद आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। आप चलिए स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, सबसे पहले सोच रहा हूँ आपको बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रखा है रैपिडो कैप्टन का, यहाँ से आप जाकर के सीधे डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद रजिस्टर करेंगे तो आपको 150 रुपए एज अ ज्वाइनिंग फीस मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं ऐप डाउनलोड करने के बाद का प्रोसेस। तो भाई आ जाओ, सबसे पहले अपना यहाँ पे आप नंबर, जो भी नंबर रहेगा रैपिडो कैप्टन ऐप में, आप नंबर डाल के सीधे OTP लो। नंबर डालोगे OTP, जैसे आपका जो भी OTP आएगा 6 डिजिट का होगा, उसको यहाँ पर डाल करके सबमिट करना रहेगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर एज ए कैप्टन करना रहेगा। उसके बाद आप जिस सिटी में काम करना चाहते हो, मैं तो लखनऊ का हूँ, बाकी यहाँ पे आप सिटी देख सकते हैं, बहुत सी सिटी हैं, जबलपुर, पटना, मथुरा, झांसी, ये वगैरह वगैरह, ग्वालियर, आगरा, इसको मैं तो लखनऊ सेलेक्ट करके कन्फर्म करता हूँ। ठीक है, आप किस चीज़ से काम करना चाहते हैं, बाइक, ऑटो या कैब? तो मैं तो भाई बाइक से ही करूँगा, तो मैंने बाइक सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर और इसको कंफर्म कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस की आगे की और पीछे की दोनों फ़ोटो चाहिए रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फटाफट से चलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की, ये देखो बढ़िया से निकाल के क्रॉप कर लो आराम से, इजी क्रॉप करना और खींचना भी फ़ोटो सही करके, सही बिल्कुल आराम से, क्योंकि एकदम विजिबल हो जाए। तो मैंने ये फ्रंट अपलोड कर दिया, ये DL का जो बैक साइड है इसको भी अपन फटाफट से क्रॉप करके इसको भी अपलोड कर ही देते हैं। देख लो आप स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है, 2 मिनट का केवल प्रोसेस है, और 2 मिनट के अंदर ही आपकी ID बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आपने DL नंबर जो भी है वो यहाँ पर आप मैन्युअली टाइप कर दीजिएगा, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ अभी, मैं आप देख लीजिए पहले स्टेप बाय स्टेप भाई, स्किप ना करना कभी कहीं पर भी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कहोगे कि मेरा बना नहीं, मेरा ये हुआ वो हुआ, तो इसलिए आराम से देखो भाई, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे प्रोफाइल इन्फो पे यहाँ पे आके सीधे सेल्फी देते हैं फटाफट से। सेल्फी देने के बाद फिर ये आता है आपका पर्सनल डिटेल, आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ भी रहेगी। तो मैंने फटाफट से भर दिया डेट ऑफ बर्थ, देखो आप आराम से भर सकते हैं जो भी आपकी हो, आपके आधार पे, जो आधार वाली ही भरनी है, कहीं कोई दूसरी से नहीं भर देना है कि फिर वो रिजेक्ट हो जा करके आपका। यहाँ पर आप सब करने के बाद मेल पर सेलेक्ट करके, मेल या फीमेल जो भी हो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल का ये प्रोसेस हो गया। तीसरा आता है व्हीकल RC, देख रहे होंगे। अब चलते हैं अपन व्हीकल RC वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर व्हीकल RC में यानी कि RC आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो चाहिएगा। अब ये पूछता है सेल्फ है या रेंटेड है, तो आपका भाई सेल्फ हो तो सेल्फ डालना, रेंटेड हो तो रेंटेड डाल देना, और अपना बाइक का नंबर वो डाल दो। वो डालने के बाद ये ऑप्शनल है भाई, RC मतलब आगे पीछे की तो फोटो मांग रहा है, फोटो केवल इसकी आगे की होती, तो आप एक काम करना ये आगे वाली फ़ोटो बैक में भी अपलोड कर देना, इससे कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, अच्छे से क्रॉप करके एकदम विजिबल हो जिस तरह से, उस तरह से अपलोड करके सबमिट कर देना। तो ये आपके 3 स्टेप हो चुके हैं। अभी चलते हैं 4th स्टेप पे। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई सिस्टम, बहुत ही हल्का सा है। आधार और पैन ये भी ऑप्शनल, मतलब दो में से एक चीज़ चाहिए, आधार चाहिए या पैन, आपके पास जो हो वो आप अपलोड कर सकते हो। मैं तो फिलहाल यहाँ पे आधार कर रहा हूँ, अच्छे से क्रॉप करके देखो आधार अपलोड कर दिया, क्रॉप करके ये फ्रंट साइड है, फिर यहाँ पे बैक साइड पे गए फटाफट से, बैक साइड पे इजी, बिल्कुल इजी, देख रहे हो आप, मिनट भी नहीं समझ लो कि लग रहा है, और ID हो जा रही। यहाँ पे आधार नंबर आपका पड़ा रहेगा, डालना रहेगा मैनुअली, तो आधार नंबर भी यहाँ पे सबमिट कर देते हैं फटाफट से। भाई पहली बार बना रहा हूँ, किसी पे रिव्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो यार झेल लेना, सबमिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
और आपका ट्रेनिंग का आएगा, बस सीधे आपको ट्रेनिंग ये स्टार्ट ट्रेनिंग करना रहेगा। स्टार्ट ट्रेनिंग भी नहीं करवाता है, आपकी आईडी समझ लीजिए मिनट टू मिनट में बन जाती है। ये कुछ होते हैं आप प्ले करने के लिए, इनकी वीडियो देखो, बाकी आईडी बनके तैयार हो चुकी है हमारी हाल फिलहाल, है ना, पूरी आईडी एकदम बस दो मिनट के अंदर बन के तैयार हो गई। भाई आप लोग बताओ कितनी जल्दी बना दी आईडी, आईडी देखो मेरी एकदम फाइनल फॉर्म में तैयार हो चुकी है। तो बस इतना ही सब प्रोसेस था, छोटा सा प्रोसेस था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने का था। आपकी आईडी बन के तैयार हो गई, मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मेरा जोन नहीं है, मेरे को दिखा रहा 5 किलोमीटर दूर जाइए तब जाके जोन मिलेगा। तो बाकी बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से जाकर के ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा, बेहतरीन रहेगा भाई।